भगवान के इस अद्भुत प्रेम की गाथा को दर्शाने के लिए ही भगवान ने जगन्नाथ रूप धारण किया। श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा इन्होंने इस प्रेम को जाना और उसी प्रेम को जानने के लिए कलयुग में बंगाल में श्री नवद्वीप धाम में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्री ठाकुर जी ने अवतार ग्रहण किया ताकि राधा प्रेम को जान सके। जैसे ब्रज गोपियां रोई है कृष्ण के लिए, वैसे चैतन्य अवतार में श्री गौरांग महाप्रभु रोए हैं प्रेम के लिए, श्री राधा प्रेम के लिए। कृष्ण कृष्ण कहते कहते होरी होरी कहे प्रभु गमन करीला, कृष्ण बोली उठी व्याघ्र नाचीते लगीला। ऐसा महाप्रभु का स्वरूप। महाप्रभु जी कहते थे भाल ना खाइबो और भालो ना पोरीबो। महाप्रभु अपने समस्त परिकरों को इसी बात का उपदेश दिया करते थे। तो वही प्रेम की चर्चा द्वारिका में भगवान ने श्रवण कराई 16108 पटरानियों को, और उसके बाद इसी द्वारिका में रह करके भगवान ने अपने एक भक्त का चरित्र जगत तक प्रसारित किया। परीक्षित जी कहते हैं प्रभु आपने मुझे भगवान का एक नाम दीन बंधु बताया। भगवान को दीन बंधु कहा गया है, तो क्या कोई ऐसा उदाहरण है जिसमें भगवान ने किसी दीन को अपना बंधु बनाया हो? तब सुखदेव जी सुदामा जी की कथा को श्रवण कराते हैं। सुदामा जी की कथा भी भागवत का एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है। वो बात अलग है कि आजकल के कुछ लोगों ने सुदामा जी की कथा को जाना नहीं। आज भी लोगों को लगता है कि सुदामा आए थे, द्वारपालों ने धक्का दे के भगा दिया था। सुदामा मानो ऐसे उपयोग होता है जैसे किसी फिल्म में कोई हंसी का पात्र हो। सुदामा बहुत सारे नाटक होते हैं, काव्य रचना होती हैं, जागरण होते हैं, रासलीला होती हैं, उनमें दो पात्रों को बड़ा मजाक का पात्र बनाया जाता है। एक है नारद जी, नारद जी को भी कई सारी जगह पर एक कार्टून जैसा प्रसारित किया जाता है कि सिर्फ हंसी मजाक करने के लिए, और एक है सुदामा जी। लेकिन सुदामा कोई साधारण भक्त नहीं था। ऐसा भक्त कौन मिलेगा कि जिसकी मित्रता द्वारिकाधीश से हो और उसके पास खाने को भोजन तक नहीं हो। लोग कहते हैं कुछ मांग ले कुछ मांग ले, पर सुदामा कहता नहीं, मैं मेरे प्रभु से कुछ नहीं मांगूंगा, मैं भगवान का निष्काम भक्त बनना चाहता हूं, व्यापारी नहीं बनना चाहता। भक्त कहता है प्रभु मैं तुझे देखूं तो देखूं पर तू ना मुझको देखना, क्योंकि तूने गर देखा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं, अभिमान आ जाएगा मुझ में कि देखो भगवान देख रहे मुझे। मैं तुझे देखूं तो देखूं पर तू ना मुझको देखना, तूने गर देखा मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं तुझे चाहूं तो चाहूं पर तू ना मुझको चाहना, क्योंकि तूने गर चाहा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं तुझसे मांगू तो मांगू पर तू कुछ ना मुझको देना, क्योंकि तूने गर दिया मुझे तो भक्त नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं। प्रेमी नहीं रहा फिर इश्क का ये बात का। मैंने शायद आपको याद हो जो पहले दिन आए थे मैंने कथा बताई थी, एक महिला सबको छाछ बेच रही है पर जब प्रेमी आता है तो ना पैसा लेती है और छाछ उल्टा ज्यादा और डाल देती है। प्रेम में ये मजदूरी नहीं चलती कि हम तुम्हें दें तुम हमें दो, हम तुम्हारी दो माला करें तुम दो माला की जगह 2 करोड़ दे दो, ये प्रेम में थोड़ी होता है। प्रेम में तो जाही विधि राखे राम ताही विधि रही, उसमें कोई शिकायत नहीं होती। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।